नेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। इस वक्त की बड़ी खबर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से जुड़ी आ रही है, जहां लैंड फॉर जॉब के मामले में आज सुनवाई होने वाली है। आपको बता दें चले कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के ऊपर लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले को लेकर लगातार दिल्ली के राव साहब ने कोर्ट में सुनवाई हो रही है, जहां एक तरफ आज एक बार फिर से इस पर सुनवाई होने वाली है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरफ से सीबीआई को वकील जो है वो चार्ज फ्रेम से पहले अपनी दलील रखेंगे। आपको बता दें चले कि लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली के राव एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इस दौरान राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की तरफ से वकील उनका पक्ष रखेंगे। इसके बाद सीबीआई के वकील की तरफ से भी दलीलें दी जाएंगी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज चार्ज फ्रेम हो सकता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 50,000 के मुचलके पर नियमित जमानत दे दी थी। इससे पहले लैंड फॉर जॉब मामले में 4 अक्टूबर को लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की कोर्ट में पेशी हुई थी। तब लालू और उनके परिवार के साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा भी कोर्ट पहुंचे थे। इस मामले में अदालत ने राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव समेत 15 आरोपियों को जमानत दी थी। वहीं अन्य 2 आरोपियों ने बेल के लिए आवेदन नहीं दिया था। 4 अक्टूबर को राव जैवनी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष सुनवाई हुई थी। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस घोटाले को लेकर सीबीआई ने हाल ही में आरोप पत्र दाखिल किए हैं। इसमें लालू यादव समेत उनके बेटे तेजस्वी यादव अन्य को आरोपी बनाया गया है। 18 मई 2022 को सीबीआई ने लालू यादव और उनकी पत्नी, 2 बेटियों, अज्ञात लोक सेवकों और निजी व्यक्तियों से सहित उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। आरोप ये था कि 2004 से 2009 के बीच जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे, तो उस वक्त उन्होंने आम लोगों को, आम नागरिकों को नौकरी के बदले जमीन लेने लिया करते थे। अब इस मामले को लेकर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के खिलाफ जो है वो कार्यवाही हो रही है। वहीं आपको बता दें चले कि ग्रुप डी में नियुक्ति के बदले अपने परिवार के सदस्य आदि के नाम पर जमीन लेकर आर्थिक लाभ जो है उन्होंने प्राप्त किया था। इसको लेकर लगातार सुनवाई हो रही है, जहां एक तरफ पिछली सुनवाई में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी कोर्ट पहुंचे थे और कोर्ट पहुंचकर उस वक्त जो उन्हें 50,000 का मुचलका देना हुआ था, और वही आज एक बार फिर से इनकी सुनवाई होने जा रही है, जहां सीबीआई के वकील और तेजस्वी यादव के वकील जो हैं अपने अपने पक्ष रखने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।